Hello students, I am CS Shweta and today is your third session of CMA Inter paper number 12 Accounts and Audit. And I am going to take your part B audit. Right? तो हमारी पहले भी दो क्लास हो चुकी हैं जिसमें हमने बहुत ही बेसिक्स ऑडिट के बारे में बात करी थी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करी थी. सो टुडे इज़ योर थर्ड सेशन ऑफ ऑडिट और आज हमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें करनी है अबाउट डिफरेंस बिटवीन ऑडिट इन्वेस्टिगेशन, डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ ऑडिट, एक्सटर्नल इंटरनल ऑडिट, सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर गोइंग टू इंटरेस्ट यू. तो आज हमारा ये थर्ड सेशन है. तो थर्ड सेशन से पहले आई वॉन्ट टू गिव यू अ क्विक ग्लिम्स ऑफ योर सिलेबस इन ऑडिट. तो आपका जो पूरा सब्जेक्ट है ये अकाउंट्स एंड ऑडिट पेपर नंबर 12 सीएमए इंटर में, तो इस पार्ट बी में आपके स्टडी नोट नंबर 6 एंड स्टडी नोट नंबर 7 है जैसे आप यहाँ देख रहे हो. अब मैंने इनको यूनिट 1 यूनिट 2 मार्क नहीं करा अपने नोट्स में भी, मैंने यहाँ पे स्टडी नोट 6 और स्टडी नोट 7 ही रखा है. वो इसलिए ताकि आपको कल को आप जब अपने स्टडी मॉड्यूल से पढ़ेंगे जो आपको सीएम इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड करा है, तो आपको ईज अच्छे से क्लैरिटी रहे कि मैम ने स्टडी नोट नंबर 6 एंड 7 लिया है. सो आई एम गोइंग टू स्टिक टू द फॉर्मेट ऑफ द स्टडी मॉड्यूल, क्योंकि 5 स्टडी नोट तक तो आपका अकाउंट्स है, 6 एंड 7 इज योर ऑडिट. राइट? तो मैंने नंबरिंग ठीक वैसे ही करी है जैसे आपके स्टडी मॉड्यूल में. अंडरस्टैंड? सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो स्टडी नोट नंबर 6 में देर आर 3 सब यूनिट्स, 6.1, 6.2, 6.3. हम लोग अभी 6.1 पे हैं. तो स्टडी नोट नंबर 6 है ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट के बारे में और स्टडी नोट नंबर 7 है प्रोविजंस रिलेटिंग टू ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट. ओके? सो पहले स्टडी नोट नंबर 6 में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट बेसिक ऑडिट्स, क्लासिफिकेशन, इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, ऑडिट एंगेजमेंट, एवरीथिंग अबाउट ऑडिट. एंड स्टडी नोट नंबर 7 में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लॉ, व्हाट इज द रूल्स लॉ गवर्निंग अंडर कंपनीज एक्ट, राइट, रिलेटिंग टू ऑडिट. तो पहले हम स्टडी नोट नंबर 6 करेंगे, फिर स्टडी नोट नंबर 7 एंड हमारा पार्ट बी इज ओवर. ठीक है ना? तो आपके देखने में तो ये दो स्टडी नोट बहुत सिंपल लग रहे हैं कि अरे मैम स्टडी नोट नंबर 6 में तो सिर्फ 3 ही यूनिट्स हैं, स्टडी नोट 7 अगेन ओनली 4 यूनिट्स. सो तो इतना डिफिकल्ट लग नहीं रहा. आपकी बात सही है, इतना डिफिकल्ट नहीं है बट आसान भी नहीं है. आपके पूरे सब्जेक्ट को जैसे मैंने पहले भी बोला हुआ है, अकाउंट्स में काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है, अकाउंट्स में काफ़ी अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाते हैं काफ़ी बच्चे, राइट. लेकिन तो उस समय आपको ऑडिट काफ़ी सहारा देगा. तो ऑडिट को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए, अच्छे से पढ़िए. आप अगर ऑडिट अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अकाउंट्स में वो चीज़ काफ़ी कॉम्पनसेट करेगी, राइट. तो स्टार्टिंग का जो यूनिट है, यूनिट नंबर 6, स्टडी नोट 6 सॉरी, इसमें जो पहला यूनिट है 6.1, दैट इज टॉकिंग अबाउट नेचर, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग. ओके? तो अभी हम लोग 6.1 पे हैं और पिछले दो सेशंस में मैंने आपको बेसिक इवोल्यूशन ऑफ ऑडिट, ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट, ऑडिट और अकाउंटिंग में डिफरेंस बिटवीन, फ़ायदे क्या होते हैं ऑडिटिंग के, ये सब बातें हम कर चुके हैं. तो सेकेंड सेशन पे हमने ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन तक छोड़ा था, मतलब उससे पहले छोड़ा था. आज हमें स्टार्ट सेशन नंबर 3 में स्टार्ट करना है ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. ओके? तो आगे बढ़ते हैं. जैसे कि हमने ये सारी बातें कर ली हैं, ऑडिटिंग का इवोल्यूशन, मीनिंग क्या है ऑडिट का, नेचर ऑफ ऑडिटिंग, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटर के बारे में हमने लास्ट सेशन में बात करी है. ओके? सो आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. सो गाइस, एक बार मैं आपको बेसिक ऑडिट की डेफिनेशन फिर से याद दिला दूं. ऑडिट इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स. जब एक प्रोफेशनल को हायर करा जाता है कि वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करे और लास्ट में अपनी रिपोर्ट तैयार करे, अपनी जजमेंट दे कि हमारी रिपोर्ट्स ट्रू एंड फेयर हैं या नहीं, यही एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है ऑडिटर का, राइट.
तो हमने पिछले दो सेशंस में बात करी है कि ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट कैसे आया, इंडिया में पहले नहीं आया था, बाहर आया था, और पहले पब्लिक अकाउंट्स ही ऑडिट होते थे, राइट। हमने फिर बातें करी कि ऑडिटिंग का नेचर क्या है, कौन ऑडिट कर सकता है, अंडरस्टैंड। तो ये सारी बेसिक छोटी छोटी बातें हमने लास्ट टू सेशंस में करी थी। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो है ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। तो एक बार यहाँ देखिए, इट इज़ टू बी नोटेड दैट बोथ ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन हैव अ फैक्ट फाइंडिंग कैरेक्टर। हाँ, ये बात तो सही है कि ऑडिट में भी क्या होता है, मैंने आपको ध्यान होगा हमने पहले सेशंस में बात करी थी कि ऑडिट में जो ऑडिटर होता है वो कंपनी में एक तरह की इन्वेस्टिगेशन ही करता है। वो चेक करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते हैं, एविडेंस को कलेक्ट करके भी एविडेंस की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद एक फेयर पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट करते हैं वायर रिपोर्ट, थ्रू रिपोर्ट्स। अच्छा, अब ये जितना सुनने में आसान लग रहा है कि ऑडिटर आए, चेकिंग करी, ठाट से बैठे और फिर चले गए, ये इतना आसान होता नहीं है, ठीक है ना। इसके पीछे पूरा प्रोसेस होता है, सिलेक्शन होती है, एविडेंसेस कलेक्शन होती है, इवैल्यूएशन होती है, एनालिसिस होता है, टीम होती है, सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस आई वुड से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑब्वियस बात है, हम जो बुक्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ते हैं, चाहे आप अकाउंटिंग को ले लीजिए, ऑडिटिंग को ले लीजिए, लॉ को ले लीजिए, हम जितनी भी चीज़ें पढ़ते हैं हमें थोड़ी ईजी ही साउंड करती हैं, प्रैक्टिकली उनके इम्प्लीकेशंस काफ़ी डिफ़िकल्ट और डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए, अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में तो नहीं है, अभी आप सिर्फ थियोरिटिकल लाइफ और बुक्स में है, तो अभी आप शांत रहिए और जितना आपकी बुक्स में है, जितना आपके सामने, उसको अच्छे से पढ़ के आप अपने एग्जाम्स दीजिए, राइट। वंस यू बिकम ऑडिटर यू विल बी इन अ प्रैक्टिकल लाइफ एंड देन यू विल बी इन टू दैट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, अंडरस्टैंड। तो उससे पहले हम बात करते हैं कि ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के बीच में वाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस डिफरेंस। हम ये डिफरेंस बिटवीन कर ही क्यों रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन आर यूज सिनोनिमसली। व्हाई सिनोनिमसली? बिकॉज ऑडिटर परफॉर्म्स अ रोल एज अ इन्वेस्टिगेटर। जब एक ऑडिटर कंपनी में जाते हैं, दे इवैल्यूएट, दे कलेक्ट एविडेंस, सो समहाउ दे आर डूइंग इन्वेस्टिगेशन, राइट। आपने भी जितनी बातें सुनी हैं आपको भी कहीं ना कहीं लग रहा होगा, हाँ मैम ये एक तरह का इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस ही लग रहा है ना। तो कहीं ना कहीं ऑडिट बहुत सिनोनिमस लगता है इन्वेस्टिगेशन से, तो इसलिए हमें डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। बोथ इन्वॉल्व अ सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अवेलेबल एविडेंस, येट दीज आर क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। कह रहे हैं बोथ एक तरह से सिनोनिमस ही साउंड करते हैं, पर दोनों में बहुत डिफरेंस बिटवीन है, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस बिटवीन आज हमें करना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन। सो प्लीज ध्यान से सुनिए, ध्यान से पढ़िएगा, जस्ट हैव अ लुक। ओके, ऑडिटिंग पहला पॉइंट है मीनिंग का। अच्छा, एग्जाम में अगर हम ये बेसिस का कॉलम बना लेना तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। एक तो चेकर के लिए, एग्जामिनर के लिए भी काफ़ी आसान होता है हमें मार्क्स और हमें इवैल्यूएट करना, और आपके लिए भी काफ़ी आसान होता है अपने आंसर को, अपने व्यूज़ को ठीक से प्रेजेंट करना। तो ये जो बेसिस वाला कॉलम है, आप कोशिश करिए कि आप ये कॉलम बनाइए जब भी कोई भी डिफरेंस बिटवीन आए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में आए। ऑडिटिंग, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द एविडेंस अंडरलाइंग द अकाउंटिंग और अदर डेटा। तो यहाँ कह रहे हैं ऑडिटिंग क्या है, इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक। मैंने पहले भी ये दो शब्दों का इंपॉर्टेंट मीनिंग आपको बताया था। इंडिपेंडेंट मतलब कि ये एक ऐसे इंसान से करवाया जाता है जो कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, इंडिपेंडेंट है, उसका कोई भी आई वुड से वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी वो ऑडिट कर रहा है। अगर मैं अपनी कंपनी की ऑडिट खुद के एम्प्लॉय से करा लूँ तो कहीं ना कहीं आपको लगता है वो मुझे ट्रू एंड फेयर पिक्चर देंगे? नो, क्योंकि वो तो मेरे एम्प्लॉई हैं, वो खुद को थोड़ी ना चेक करके अपनी गलती रिपोर्ट में डालेंगे, नॉट पॉसिबल ना। तो इसलिए हमें इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कराना पड़ता है। सिस्टमैटिक मतलब, पहले भी आपको बताया था, इसका एक सिस्टम होता है, वॉट इज़ द फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, सो देर इज़ अ सिस्टम, सिस्टमैटिक प्रोसेस। सो इसलिए ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन, क्योंकि एविडेंस को एग्जामिन करते हैं। अंडरलाइंग द अकाउंटिंग और अदर डेटा, क्योंकि सिंस हम अकाउंटिंग डेटा को एनालाइज करने जा रहे हैं,
अकाउंटिंग डेटा की ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट करने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें जो भी एविडेंसेज है अकाउंटिंग से रिलेटेड उनको एग्जामिन करना पड़ता है विद द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रैक्टिस। तो कहीं ना कहीं हमें जो भी ऑडिटिंग प्रैक्टिस एज अ प्रोफेशनल वो फॉलो करनी पड़ती है टू असर्टेन, असर्टेन मीन्स टू कंक्लूड द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। तो वो एंटरप्राइज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है, फेयर है, नहीं है, उनमें टिल व्हाट एक्सटेंट दे आर रिलायबल, वो चेक करने के लिए हम लोग एसर्टेन, हम ये सब जो एविडेंस को एनालाइज कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू कम टू द कंक्लूजन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। ठीक है ना, तो ये तो ऑडिटिंग की डेफिनेशन हो गई। इन्वेस्टिगेशन की मीनिंग पे आ जाइए। इन्वेस्टिगेशन मे बी डिफाइंड एज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स विद द व्यू टू एसर्टेन एनी फैक्ट फॉर सम स्पेशल पर्पस व्हिच वेरीज फ्रॉम असाइनमेंट टू असाइनमेंट। अब मैम ये क्या लिखा है, इसमें भी कह रहे हैं कि अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, इसमें भी बोल रहा है ट्रू एंड फेयर पिक्चर के लिए करते हैं, देन वेयर इज द डिफरेंस इन द मीनिंग। नाउ लिसन, इन्वेस्टिगेशन भी एग्जामिनेशन है अकाउंट्स का, यहाँ पे भी वो असर्टेन करना चाहते हैं कोई भी फैक्ट जो स्पेशल पर्पज के लिए आगे कंसिडर करा जाए। नाउ इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में और ऑडिट में क्या डिफरेंस है। ऑडिट में क्या है, आप ऑडिटर आ रहे हैं चेकिंग कर रहा है और अपने जो व्यूज हैं उसको प्रेजेंट कर रहा है रिपोर्ट में। इन्वेस्टिगेशन असाइनमेंट टू असाइनमेंट डिपेंड करती है, यहाँ लिखा है, इसका मतलब कि क्या अब जैसे किसी कंपनी पे कोई एलिगेशन है कि इस कंपनी ने ये स्कैम करा है, इस कंपनी ने ये फ्रॉड करा है, इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के साथ अपने इन्वेस्टर्स के फंड्स के साथ छेड़छाड़ करी है, कोई भी एलिगेशन जब किसी एंटरप्राइज या कंपनी पर लगता है तो एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल को हायर किया जाता है कि वो जाके इन्वेस्टिगेशन करे। अब यहाँ पे वो भी जाके अकाउंट्स चेक कर रहा है लेकिन वो एक स्पेशल पर्पस के लिए आया है, वो एक असाइनमेंट के तहत आया है, वो एक फैक्ट को पकड़ना चाहता है कि कौन से फैक्ट गलत है यहाँ पे जो ये प्रूफ करें कि ये कंपनी गलत है, या कौन से ऐसे फैक्ट मैं ढूंढूं जो ये प्रूफ कर दे कि कंपनी गिल्टी नहीं है। यू अंडरस्टैंड, तो ऑडिटिंग में एक स्पेशल असाइनमेंट या स्पेशल पर्पस नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में एक रीजन है जिसकी वजह से इन्वेस्टिगेशन हुई। बड़ी बार आपने सुना होगा इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन तभी तो चलती है जब किसी पे एलिगेशन होता है, जब तब कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई, इन्वेस्टिगेशन तभी होती है जब कोई कोई मैलिफाइड इंटेंशन सामने आए एंटरप्राइज की, या जब कोई रीज़न हमें मिले कि हमें इस कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, जब कोई अथॉरिटी एलिगेशन लगाए कंपनी पे तब इन्वेस्टिगेशन होती है। राइट, स्कोप पे आ जाइए। द ऑडिट हैज़ अ वाइड स्कोप इन अ स्टैट्यूटरी ऑडिट, द स्कोप इज डिटरमाइंड बाय द रेलेवेंट लॉ एंड इन प्राइवेट ऑडिट एग्जाम्पल मैनेजमेंट ऑडिट बाय अ क्लाइंट। तो यहाँ कह रहे हैं कि देखिए ऑडिटिंग का क्या स्कोप है, मतलब ऑडिटिंग, अच्छा आई होप आपको स्कोप का मतलब पता हो। स्कोप का मतलब होता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें, जैसे आप एक MBA हैं तो MBA का क्या क्या स्कोप है, क्या MBA बिल्डिंग की इंजीनियरिंग या आर्किटेक्ट कर सकते हैं, नहीं उनका वहाँ कोई स्कोप नहीं है। स्कोप का मतलब होता है कि ये चीज़ हम इस किस एक्सटेंट तक कर सकते हैं। तो ऑडिटर रहकर ऑडिटिंग करते समय आप क्या क्या चीज़ों को अपने अंडर ले सकते हैं वो स्कोप में आता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऑडिट का बहुत ही वाइड स्कोप है, ऑलमोस्ट आप हर चीज़ चेक कर सकते हैं, लेकिन इसके स्कोप के बारे में लॉ में लिखा हुआ है जो भी रेलेवेंट लॉ है। इन्वेस्टिगेशन इज लिमिटेड एज रिगार्ड द पीरियड और एरियाज टू बी कवर्ड। अब इन्वेस्टिगेशन में अगर बोला जाए इन्वेस्टर्स फंड के साथ छेड़छाड़ हुई है तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा होगा इन्वेस्टर्स फंड, तो उनका जो एरिया होता है वो बड़ा लिमिटेड होता है, जिस चीज़ की वो इन्वेस्टिगेशन करने गए हैं वही एरिया पे वो इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं, यही तक उनका स्कोप लिमिटेड होता है। लेकिन ऑडिटिंग में स्कोप थोड़ा वाइडर होता है, ज़्यादा होता है। ऑब्जेक्टिव इन ऑडिट द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर वेरीफाइड एज टू देयर ट्रूथ एंड फेयरनेस। तो ऑडिट में अकाउंट्स का ट्रू एंड फेयर होना चेक किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन स्पेशल पर्पस के लिए, तो एग्जाम्पल इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, तो वो स्पेशल पर्पस के लिए होती है, वो खाली ट्रूथ एंड फेयरनेस चेक करने के लिए नहीं होती, वो एक पर्पस के लिए गई होती, इन पर्पस के लिए करी जाती है।
ऑडिट इज कंडक्ट इन अकॉर्डिंग विद द जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल. तो ये जो आपके ऑडिटिंग है वो एक प्रिंसिपल्स के अंडर होती है, जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल, जिसके जो प्रिंसिपल्स के हिसाब से प्रोफेशनल्स ऑडिट करते हैं. लेकिन इन्वेस्टिगेशन का जो प्रोसीजर है वो एक एक्सटेंडेड ऑडिटिंग है. कहीं ना कहीं ऑडिटिंग हो गई, सब हो गया, लेकिन फिर भी कुछ दाल में कुछ काला है, तो इन्वेस्टिगेशन इज नथिंग बट एक्सटेंडेड ऑडिटिंग. एविडेंस, ऑडिटर विल इवैल्यूएट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रीडोमिनेंटली ऑन पर्सुएसिव एविडेंस. तो जो भी एविडेंस होते हैं उनको कलेक्ट करके ही ऑडिटिंग का कंक्लूजन लिया जाता है. इन्वेस्टिगेटर कैन ड्रॉ हिज कंक्लूजन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटैंशियल और सम टाइम कंक्लूसिव एविडेंस. अब यहाँ पर्सुएसिव एविडेंस, कंक्लूसिव एविडेंस, ये क्या बातें लिखी हैं. पर्सुएसिव एविडेंस होता है कि जो हमें मिला हम उसके आधार पे बोल रहे हैं. कंक्लूसिव एविडेंस होता है स्टेटमेंट, चीज़ें, अपनी जजमेंट, अपनी रिलायबिलिटी, वो सब चीज़ों को यूज़ करके एविडेंस कंक्लूसिव दिया जाता है. ऑडिटर स्केप्टिकल एंड नॉन सस्पिशियस है, वेयर एज इन्वेस्टिगेटर. अच्छा देखिए, वैसे तो बोलते हैं कि ऑडिटर भी सस्पिशियस होते हैं, बट ऑडिटर का काम है जाना, चेक करना. वो सस्पिशियस के बिहाफ पे नहीं जा रहे, वो ऑडिटिंग करने जा रहे हैं. क्या पता कंपनी बिल्कुल ट्रू एंड फेयर हो, ये उनका प्रोसीजर है और वो सब कुछ चेक करेंगे जैसे उनके सिस्टमैटिक प्रोसीजर में लिखा है. ठीक है, तो ऑडिटिंग इज स्केप्टिकल एंड नॉन सस्पिशियस. सस्पिशियस मतलब शक, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटर है वो जा ही इसलिए रहा है क्योंकि कंपनी में कुछ शक मिला है. तो उनका जो एक परसेप्शन होता है वो होता है सस्पिशियस. ठीक है, वो सिर्फ कंफर्म करने जा रहे हैं कि वो सस्पिशियस सच है या गलत. ऑडिटिंग रूटीन एक्सरसाइज है, वेयर एज इन्वेस्टिगेशन ओवर अ गैप पीरियड या ज़्यादा लंबे टाइम के बाद भी हो सकती है. ये सब डिपेंड करता है कि इन्वेस्टिगेशन का असाइनमेंट मिला है कंपनी की करने के लिए या नहीं. लेकिन जो ऑडिटिंग है वो रूटीन है, वो हर साल होती है. राइट, तो ये कुछ डिफरेंस बिटवीन है ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन के. जस्ट हैव अ लुक एट दिस, एट द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन. राइट, तो आप पूरी कोशिश करिए ये बेसिस आप लिखिए अपने एग्जाम में. जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए प्रॉपर हेडिंग दीजिए, पॉइंट्स को एक्सप्लेन जितना अच्छे से करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट. Now the next topic is what are the aspects to be covered in audit. क्या क्या चीज़ें auditing में cover करी जाती हैं audit करते समय, तो let's discuss these points one by one. The principal aspects to be covered in audit concerning the final statements of accounts are as follows. तो यहाँ कह रहे हैं कि auditing करते समय क्या क्या aspects cover करे जाते हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं. यहाँ पे कुल मिला के आपके पास 4 aspects है. अच्छा, अब ये एस्पेक्ट्स के बारे में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट. एस्पेक्ट्स का मतलब बेसिकली होता है कि हमें ये 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 प्रोसेस या ऐसे ऐसे चलना है. इफ मैं आपको बोलूं कि आप मेरे घर में आके चेक करिए कि एवरीथिंग इज परफेक्ट और नॉट, तो आप भी अपने दिमाग में एक एस्पेक्ट लेके चलेंगे कि देखिए हम ना सबसे पहले मैम के ड्राइंग रूम लिविंग रूम को चेक करेंगे, उसके बाद हम मैम के शाफ्ट्स को चेक करेंगे, एंड देन हम किचन डाइनिंग एरिया में चेक करेंगे, एंड देन हम एक साथ सारे बेडरूम्स को कवर करेंगे. तो हम ये जो चेकिंग करने जा रहे हैं उनके हाउस में हम कैसे कैसे क्या क्या एस्पेक्ट कवर करेंगे. पहले हम चेकिंग करेंगे फिजिकल, फिर हम उसके बाद सारे मटेरियल चेकिंग करेंगे, उसके बाद हम कंक्लूजन. यू अंडरस्टैंड, यू ऑल्सो हैव अ एस्पेक्ट कि हमें क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करनी है. वैसे ऑडिटिंग के भी एस्पेक्ट हैं, 4 एस्पेक्ट्स में डिवाइड करा गया इसको. यहाँ देखिए, पहला है अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. जब भी एक ऑडिटर ऑडिट करने जाते हैं वो कंपनी के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को ज़रूर चेक करते हैं. अच्छा एक बात बताओ, सबसे एक एग्जाम्पल इमेजिन करो. सपोज मेरे घर में चोरी हो गई और मैं तुम्हें बुलाऊं कि आ एक बार आके चेक करिए कि मेरे घर में चोरी कैसे हो गई, किसने करी, या कुछ प्रूफ निकालिए, एविडेंस देखिए कि कैसे क्या हुआ. आप मेरे घर में आने से पहले आप एक एस्पेक्ट तैयार करेंगे अपने दिमाग में कि हम कैसे कैसे चीज़ें करने वाले हैं. Don't you think that the first aspect would be that you will check the internal control system, right?
So first of all, when you will come to my place, you will check how the CCTVs are installed, what are the measures to be taken at home, so that you can take the conclusion that where the thief has entered the house, right? Similarly, whenever an auditor visits a company, first aspect he has to see the internal control system of the company. सबसे पहले वो चेक करते हैं कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, कितना इफेक्टिव है, या कैसे उसके एफिशिएंसी लेवल्स हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ही डिसाइड करता है कि उनको अपना ऑडिटिंग कितने एक्सटेंड तक करना है. फॉर एग्जांपल, अगर उनको किसी एस्पेक्ट में लगे, अपने फर्स्ट एस्पेक्ट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को देखते हुए ये लगे कि इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत वीक है, तो उनको वहाँ समझ में आ जाता है कि हमें ऑडिटिंग करते टाइम काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है. बिकॉज द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ दिस कंपनी इज़ वीक, इज नॉट मैनेज्ड, इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. और जिस कंपनी में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, उस कंपनी में ऑडिटर को फिर अपने जो डायरेक्शन है ऑडिट करते टाइम, वैसे अपने परसेप्शन रखना पड़ता है कि हाँ, मुझे कौन सी चीज़ें चेक करनी है और कौन सी चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस करना है, कौन सी चीज़ों पे कम स्ट्रेस करना है. सी, ऑडिटिंग इज़ नॉट अबाउट कि यू आर चेकिंग एवरीथिंग. आप एक रैंडम सैम्पलिंग करते हो, और रैंडम सैम्पलिंग करने से पहले, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे अगर आपके पास में 50 चीज़ें चेक करने के लिए, तो 50 चीज़ें चेक नहीं कर सकते हो प्रैक्टिकली. आप उसमें से 25 चीज़ें ही चेक कर पाओगे, और अगर आपने वो 25 चीज़ें वो चेक कर ली जो इररिलेवेंट थी, तो आप ठीक से रिपोर्ट अपनी नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे, राइट, टू योर क्लाइंट. सो दैट्स व्हाई हमें इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसलिए चेक करते हैं ऑडिटर, ताकि वो ये चीज़ें देख पाए कि उन्हें कौन से पॉइंट्स को पकड़ना है. जिन चीज़ों में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रांग है, उन पॉइंट्स को पता है कि वो इग्नोर भी कर देंगे तो चलेगा, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, तो उनको पता है कि इस डिपार्टमेंट में मुझे ज़्यादा चेक करना है, राइट. So coming to your book, the auditor should develop an understanding of the accounting and the internal control system operating in the enterprise. Such an understanding, तो यहाँ कह रहे हैं सबसे पहले ऑडिटर को डेवलप करना पड़ता है एक अंडरस्टैंडिंग कि उन कंपनी में अकाउंटिंग और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे ऑपरेट कर रहा है, राइट. सच एन अंडरस्टैंडिंग विल इनेबल द ऑडिटर टू ascertain. What do you understand by ascertain? Conclude, right? तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, इससे हेल्प मिलेगी ऑडिटर को ये कंक्लूड करने के लिए कि उसको व्हाट द डिग्री टू विच रिलायंस कैन बी प्लेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन ड्यूरिंग द ऑडिट. तो एसर्टेन कर पाते हैं वो कि उनको कितना रिलायबल चीज़ है ये इंफॉर्मेशन या नहीं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कंपनी में आती हूँ और मैं कंपनी की ऑडिट कर रही हूँ. अब मैंने ये देखा कि कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजमेंट है, दे आर लिटिल अनऑर्गेनाइज, दे आर नॉट प्रॉपरली मैनेज. उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या ढंग से काम कर रहे हैं, थोड़ी क्लैरिटी मिसिंग है. तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, मुझे इनकी इंफॉर्मेशन पे इतना भरोसा नहीं करना, क्योंकि ये थोड़े से मिसमैनेज्ड है. यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, ये आपको बताता है व्हाट डिग्री ऑफ रिलायंस, कि आप कितना भरोसा कर सकते हो इन इंफॉर्मेशन पे. सेकेंड एस्पेक्ट इज एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स, रिकॉर्ड्स एक्सेट्रा. द ऑडिटर शुड चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज वेल एज ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ही शुड इंश्योर दैट द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर एडिक्वेटली सपोर्टेड बाय अंडरलाइंग पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड अदर एविडेंस. फर्दर, नन ऑफ द एंट्रीज इन द बुक्स हैज बीन ऑमिटेड इन द प्रोसेस ऑफ कंपाइलेशन, एंड नथिंग विच इज नॉट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैज फाउंड प्लेस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो ये जो इतना सारा हमने जल्दी जल्दी में पढ़ लिया है, वॉट डज दैट मीन? यहाँ पे देखिए, ऑडिटर को अरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी चेक करनी पड़ती है. अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मीन्स, अरिथमेटिकल एक्यूरेसी मीन्स समथिंग विच इज़ बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, राइट. तो वो चेक करना पड़ता है, एक्यूरेसी चेक करनी पड़ती है, ऑथेंटिसिटी कितनी भरोसेमंद है, वैलिडिटी चेक करनी पड़ती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स की. उसको मेक श्योर करना पड़ता है कि जो भी पेपर डॉक्यूमेंट्स मेरे को प्रोवाइड करे गए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, वो बिल्कुल ठीक हैं. लाइक मैंने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है. फॉर एग्जाम्पल, आपके PNL में एक डेबिट साइड पर एक एंट्री है जहाँ पर 10 लाख का एक्सपेंस दिखा रहा है. सो यू कैन मेक द मैनेजर अकाउंटेबल दैट वेयर, व्हाट इज दिस एक्सपेंस फॉर, 10 लाख का खर्चा किस लिए है.
तो आपको जो मैनेजर है वो प्रोवाइड करेंगे प्रॉपर नेसेसरी डॉक्यूमेंट, बिल, एविडेंस कि सर दिस इज़ द बिल, हमने अपनी कंपनी के लिए ये पर्टिकुलर एसेट परचेज करी थी. ठीक है, चलिए ठीक है, आपने बिल देख लिया. अब ये क्या प्रूफ करता है कि ये बिल सही है या नहीं? आपने ये बिल देख के छोड़ दिया तो क्या पता ये बिल फेक हो, क्या पता मैनेजर ने 10 लाख की जो शॉपिंग है वो अपने घर के लिए करी हो, ना कि कंपनी के किसी एसेट के लिए. सो सम हाउ यू हैव टू इवैल्यूएट द एविडेंस, यू हैव टू क्रॉस चेक द एविडेंस ऑल्सो. तो पहले में तो हमने पहले एस्पेक्ट में ऑडिटर जाके इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करते हैं, सेकेंड एस्पेक्ट में वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी, वैलिडिटी, ये सब चीज़ें चेक करते हैं, तीसरे एस्पेक्ट में दे सी वेदर द कंपनी इज कंप्लाइंग विद द ऑडिटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट, whether the company is complying with the generally accepted accounting standards and regulations or not. The financial statement should be prepared in accordance with the requirement of the laws. तो कहीं ना कहीं accounts भी laws के हिसाब से ही बनाए जाते हैं, and you need, as an auditor, you have to make sure कि जो accounts है they are with the compliance with the accounting standards and auditing procedures. The for example, a proper difference should be, distinction should be taken between आइटम्स ऑफ कैपिटल, रिवेन्यू, नेचर. सो कहीं ना कहीं देखिए, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलना है कि एक्सपेंस बोलना है, रिवेन्यू बोलना है या इनकम बोलना है, ये सब चीज़ों में क्लियर डिफरेंस बिटवीन आपको करना है जब आप ऑडिट करने जाएंगे. सो फॉर दैट पर्पस आपका तीसरा जो एस्पेक्ट होगा ये चेक करना कि सब कुछ लॉ, स्टैंडर्ड्स, प्रोसीजर्स के हिसाब से बनाया गया है या नहीं. पहले में इंटरनल कंट्रोल सिस्टम चेक करा, दूसरे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करी, एविडेंसेस देके इवैल्यूएशन, वो सब सेकंड एस्पेक्ट में आ गया. तीसरा आपने कंप्लायंस विद द लॉस चेक करा कि ये जो अकाउंट्स बने हुए हैं आर दे कंप्लाइंग विद द स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड लॉज, रेलिवेंट लॉज और नॉट, ये भी चेक करा. फिर आपने लास्ट में क्या एस्पेक्ट आप प्रेजेंट करते हैं? रिपोर्टिंग. सो दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आपको हायर करा गया है, रिपोर्टिंग. Once the audit is carried out, the audit findings need to be communicated to the personal body. Example, shareholders in case of company. Audit report states the opinion of the auditor कि क्या वो जो true, वो जो statements जो check करे हैं ऊपर वो true and fair हैं या नहीं. If yes, then you have to report that. If no, then why? What are the what did you conclude? How did you conclude? आप कैसे बोल सकते हो कि ये चीज़ सही नहीं है कंपनी में? तो रिपोर्ट्स के साथ आपको नेसेसरी एविडेंस भी प्रोवाइड करने पड़ते हैं, राइट? तो आप ये ऑडिटर के चार एस्पेक्ट समझ गए. फर्स्ट, यू वेंट एंड यू चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम. सेकेंड, यू चेक द अकाउंटिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिलायबिलिटी, उनकी एक्यूरेसी. थर्ड में यू चेक्ड वेदर द अकाउंट्स आर मेड विद द कंप्लायंस विद द लॉज. चौथे में यू हैव रिपोर्टेड योर जजमेंट. सो देर आर फोर एस्पेक्ट्स. दीज फोर एस्पेक्ट्स सीम्स वेरी सिंपल बट इनमें भी बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होते हैं, राइट? आगे का जो अगला टॉपिक है दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग? According to Standards on Auditing 200, overall objective of the independent auditor and the conduct of an audit in accounting in accordance with the standards on auditing, conducting an audit of financial statement, the overall objectives are somehow, यहाँ पे आप देखिए जो standards on auditing है, this 200, they states the objectives of auditing. Right? So what are the objectives of auditing? To obtain reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement or not, whether due to fraud or error. Right? So first of all, you need to obtain the assurance. Assurance, सबसे पहला हमारा objective होता है assurance लेना कि जो हम audit कर रहे हैं इसमें financial statement जो हैं वो सही है या नहीं. सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है. हम ऑडिट करने जा रहे हैं, हम करने क्यों जा रहे हैं ऑडिट? क्योंकि हम अकाउंट्स को चेक करने जा रहे हैं. अकाउंट्स को क्यों चेक करने जा रहे हैं? खाली अकाउंट्स को चेक करके आ जाते हैं? नहीं, हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है दैट द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, राइट? सो उस बेसिस पे ऑडिटर एक्सप्रेस देयर ओपिनियन.
The report on the financial statements and communicates as required by SAS in accordance with the auditor's finding. तो जो भी auditor find out करते हैं they need to report about the financial statement and communicate करना पड़ता है to the interested parties. अब आप बोलेंगे मैम ये interested parties कौन सी हैं? अगर मैं एक कंपनी ने मेरी फर्म को हायर करा है कि आप हमारी कंपनी में ऑडिट करिए तो मेरे लिए वो कंपनी क्लाइंट है, मेरे लिए वो इंटरेस्टेड पार्टी है. तो जो ये रिपोर्ट मैं तैयार कर रही हूँ दे दिस रिपोर्ट इज द मेन कंसर्न ऑफ दिस रिपोर्ट इज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ दैट कंपनी. दे नीड दैट रिपोर्ट कि क्या मैंने फाइंड आउट करा उनकी कंपनी में, राइट. तो मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव होने वाला है ऑडिटिंग का वो ये होने वाला है, एक तो मैं एश्योरेंस लेना चाहती हूँ कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मुझे क्या क्या मिला ये फाइंडिंग्स के बारे में ठीक रिपोर्ट करना ही मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है. पहले फाइंड आउट करना, रिपोर्ट करना, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है मेरे ऑडिटिंग के. एन ऑडिट इज कंडक्टेड विद टू मेन ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी सेकेंडरी. ये याद रखिए, ये काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. सो देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स एज यू कैन सी, यस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट इज टू डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू फेयर है या नहीं, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजिशन क्या शो कर रही है, एंड प्रॉफिट एंड लॉस क्या परफॉर्मेंस शो कर रहा है ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. तो कहीं ना कहीं प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू को लेना. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होता है द ऑडिटर इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग फ्रॉड्स एंड एरर्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड सच डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर इज कॉल्ड एज द सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, बिकॉज द प्राइमरी इज फॉर सेफ गार्डिंग द बिजनेस एसेट एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्ट फ्रॉड. इफ द ऑडिटर सस्पेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट और डीफाल्केशन इन द रिकॉर्ड्स ही इज एक्सपेक्टेड टू लुक इन टू मैटर विद ग्रेटर डिटेल बाय अप्लाइंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ अबाउट एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस. ही इज ऑल्सो टू रिपोर्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेटमेंट थ्रू हिज ऑडिट रिपोर्ट. अब अच्छा एक बात बताइए, सो सॉरी, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? यहाँ कह रहे हैं ऑडिट के दो ऑब्जेक्टिव हैं, एक है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, एक है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी सेकेंडरी को डिवाइड करने का ये मतलब नहीं है कि ऑडिट का ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो दोनों ही बड़े ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हैं ऑडिटिंग के. ऑडिट करते समय हमें प्राइमरीली, प्राइमरी इसलिए बोल रहे हैं उसको क्योंकि जब हम ऑडिट करने जाते हैं ये हमारा पहला मकसद होता है, और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव जैसे नाम बता रहा है ये हमारा सेकेंड ऑब्जेक्टिव है, पर दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये दोनों पे हमें ध्यान रखना पड़ता है व्हेन वी गो फॉर ऑडिट. सो योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जब आप ऑडिट करने जाते हैं वो ये है कि जो स्टेटमेंट्स मैं चेक कर रहा हूँ या चेक कर रही हूँ एज अ प्रोफेशनल, ये स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर है या नहीं, सही बनी है या नहीं, इसमें अरिथमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं, ये रिलायबल है या नहीं. सो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हम अपने दिमाग में रखते हैं ऑडिट स्टार्ट करते समय, क्योंकि हम जब ऑडिट करने जा रहे हैं हमारा मेन और पहला और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है. लेकिन सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी हमारा कम नहीं है. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमें कहता है कि हमारा ऑडिट करते टाइम ये एक ऑब्जेक्टिव है कि हम ये डिटेक्ट करें कि कंपनी में कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, कंपनी में कुछ मैलिफाइड इंटेंशंस तो नहीं है, कुछ मेजर एरर्स तो नहीं है, राइट. तो अब अगर हमें कंपनी में लगता है कि अरे कुछ फ्रॉड चल रहा है, जो दिखा रहे हैं ऐसा है नहीं, तो हमारी एज अ ऑडिटर ड्यूटी बनती है कि ऑडिट प्रोसीजर इस्तेमाल कर कर हम वो सारे एविडेंसेस को कलेक्ट करें, हम इसकी तह तक जाएं. आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट यू नीड टू लुक इनटू द मैटर विद अ ग्रेटर डिटेल. आपको उसकी, आपको अपने सस्पिशियस, आपको सस्पिशन हुआ, शक हुआ, इस सस्पिशियस की एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, एंड यू हैव टू इंक्रीज योर मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वेस्टिगेशन. अगेन आई यूज द वर्ड इन्वेस्टिगेशन क्योंकि ऑडिटर भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करेगा इस चीज़ में फ्रॉड को, कि क्या ये फ्रॉड सही में है या नहीं, तो इसकी डिटेल में जाके दे विल फाइंड दैट आउट, एंड इफ दे सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट येस देर इज अ फ्रॉड दैट देन दे नीड टू रिपोर्ट द सेम ऑल्सो टू द कंसर्न अथॉरिटी, राइट. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमारा ट्रू एंड फेयर चेक करना, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज टू डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, ओके.
सो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट आपको अच्छे से क्लियर हो गया, और डिफरेंस बिटवीन ऑडिट इन्वेस्टिगेशन एंड यू आर मच मोर क्लियर नाउ अबाउट द एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग ऑल्सो. तो आज जो हमने बहुत तीन मेजर बातें करी हैं वो है द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट इन्वेस्टिगेशन, वी हैव टॉक्ड अबाउट एस्पेक्ट्स जब ऑडिटर जाता है क्या क्या चीज़ें कवर करने की सोचता है, फिर उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स के कितने टाइप्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ऑडिट इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो. सो ये जो कुछ टॉपिक्स आज हमने करे हैं काइंडली रिवाइज देम, बिकॉज आप साथ साथ रिवाइज करते रहेंगे तो आगे के टॉपिक्स करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो प्लीज़ इफ़ यू वांट द ग्रिप ऑन योर सब्जेक्ट यू नीड टू रिवाइज योर सब्जेक्ट इन आफ्टर एवरी क्लास, राइट? अदरवाइज बाकी चीज़ों की तरह भी आपका ये कंपाइल हो जाएगा जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे, देन यू विल बी लाइक कि क्या करें कैसे करें. तो अगर आपको क्या करें कैसे करें वाले क्वेश्चन से फ्री होना है एग्ज़ाम टाइम पे, तो प्लीज़ काइंडली रिवाइज योर सिलेबस साइड बाय साइड, right? So I will take the next session and I will start new topic, which is basic principle governing an audit. Audit karte time kya basic principles hai jo ek auditor ko follow karne padte hai, right? Ye topic hum agle session mein karenge. Till then please study hard, revise your subject thoroughly side by side of your classes and stay safe. Thank you.